गोरखपुर पर्यटन संस्कृति इको टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत जनवरी माह में 11 और 12 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करके कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन चंपा देवी पार्क नुमाइशी ग्राउंड में किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव में पारंपरिक खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, इसके साथ ही शिल्प मेला का कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों तथा साहित्य कला अध्ययन पत्रकारिता लेखन लोक एवं सामाजिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी सम्मानित किए जाने की योजना है। बैठक के दौरान क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में कार्यों के लिए भी कई छोटी छोटी उप समितियां भी बनाई गई हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्र सहित विभिन्न अधिकारी एवं सांस्कृतिक उप समिति के सदस्य हरिप्रसाद सिंह, डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, राकेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर उषा सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अध्यक्ष जी ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय को दे रखी है सर की, और अब तक जो हम लोगों ने तैयारियाँ की हैं सर विगत वर्ष की से भी सफलता से सफलता से किए जाने की आज की बैठक गोरखपुर महोत्सव की जो सर विगत वर्ष हमने किया था 12-13 इस वर्ष की तिथियाँ निर्णय हुआ सर की उसको 11 से 12 तक मुख्य फंक्शन करेंगे सर, और जो हमारा प्रदर्शनी है सर शिल्प मेला है सर वो 11 से 15 तक करेंगे, 5 दिवसीय करेंगे सर। हमारे ADM सर जो 24 तारीख को ADM साहब आए, ADM साहब एक एक करके करिएगा, और इसमें इस बार हमें कोई हिला वाली नहीं चाहिए, हर एक बैंक बैंकों ने पार्टिसिपेट किया केवल ओनली 7 नहीं सभी को करना चाहिए। आप बता दीजिए कि तो गवर्नमेंट डिपॉजिट किया था कि जो कहने लायक भी नहीं है तो हम अलग से आपसे बात करके डिपॉजिट गवर्नमेंट का अगर चाहते हैं तो सर इसको हम लोग उनके बैंक की जो प्रचार सामग्री है सर फॉर्म सुनाते हैं उनका प्रचार सामग्री भी देते हैं, और इसके सर इसी सर सर तो होगा सर की विगत 2 वर्षों से सर अपने बैंक नहीं रहा होगा यूनियन बैंक में ही कन्वर्ट हो गया, उनके DGM साहब को बुलाए मतलब बैंक वाइज कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना है वो लिस्ट बना के दीजिए मुझे, मैं एक एक को फोन करता हूँ। यही मेन काम है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इवेंट कैलेंडर बन जाए, हम लोग को ज्यादा तो पता नहीं होता है कौन कलाकार है, और सर महोत्सव के स्टेज बैकड्रॉप और मंचन निमंत्रण पर दूसरा प्रकाशन के लिए हम टेंडर करते हैं, टेंडर के माध्यम से करते हैं, और जो महोत्सव का बैकड्रॉप हमारा होता सर बैकड्रॉप इसको कौन देखेगा, ये एक ऑफिसर इसमें मजिस्ट्रेट व्यवहार लगता है सर नहीं आप इसमें ADM सिटी साहब हैं तो उनको लगा दीजिए, इसके बाद ADM सिटी साहब कहाँ ADM FR साहब इसको देख लीजिए कि आपको यहाँ का उसको आप थोड़ा सा इनकी मदद कर लीजिए देखवा लीजिए जैसे आप अवगत हैं कि गोरखपुर महोत्सव 11 और 12 जनवरी को यहाँ प्रस्तावित है, इसमें और भव्य रूप प्रदान करने के लिए आज सभी विभागों के साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय बैठक की गई है और सभी जिम्मेदारी दी गई हैं, सुरक्षित सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में भी निर्देशित किए गए हैं, और व्यवस्था के संबंध में कलाकार जो विभिन्न प्रदेशों से आएंगे और सभी स्थानीय कलाकार हैं सभी के लिए सुविधा व्यवस्थापना उपलब्ध हो, अच्छा माहौल में हो, और जो गोरखपुर महोत्सव से प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण उसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई है और अच्छे माहौल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा।